अंधविश्वास है ये? नहीं, ये पूरा इसमें मानना, क्या अंधविश्वास? ये पूरा मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हर हाल में, हर हाल में, वरना बीमारी ठीक नहीं होगी, नहीं होगी, रोग ठीक नहीं होंगे, नहीं होगी, दर्द जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे। कितने साल दवाई खाई? मैं 20 साल। मनु भैया ने दवाई दी? दी, अभी दवाई दी मनु भैया ने? हाँ दी। कौन सी दवाई दी? दुआ की, दुआ की दवाई दी। बोलिए शनिदेव महाराज की। अच्छा चलो, दर्द कहाँ बताओ? क्यों नहीं भाई, छोड़ गया, अभी आएगा, आएगा तो ठीक करेगा, नहीं करना तो पीटना है, पीटने दो। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद, एमबीबीएस डॉक्टर। प्रसाद, आपने हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया, अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया, उसमें बचत ज्यादा थी? उसमें बचत काफी है। हाँ, बचत का। जैसे डॉक्टर को तो 2-3 लाख तनख्वाह मिलती है। हाँ। तो मेडिकल स्टोर पे तो महीने में 15 लाख रुपए बच जाते हैं। नहीं, महीने में 10-20 हजार तो 10-20 लाख चलते हैं। टेंशन ये इसी का हो रहा था कि आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा था 20 साल से। हाँ। आपको कोई टेंशन, कोई माइग्रेन, कोई डिप्रेशन नहीं है? हाँ। ये मैं घोषित करता हूँ, आपके डॉक्टर है, मैं घोषित कर रहा हूँ, बताओ, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, बिना टेस्ट किया आपका टेस्ट कर दिया मैंने। हाँ। बताओ मेरे को दर्द कहाँ है? नहीं, उछलो दोनों पैरों से, ये शाबाश, ये उछल लिए है तो नहीं। बोले शनिदेव महाराज की। ऐसे अकेले वर्ल्ड में मनु भैया हैं जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को भी ठीक कर सकते हैं, दिमाग सहित। ये नींद की दवा 20 साल से खा रहे हैं। नींद की दवाई 20 साल से खा के खोखले हो गए। ये पहले पतले थे। हाँ। ये पहले बिल्कुल पतले डॉक्टर थे, अब ये मोटे कर दिए हैं दवाइयाँ खिला खिला के, और वो भी नींद की। जो गोली एक्शन करती है वो रिएक्शन भी करती है, डॉक्टर साहब पे उसका रिएक्शन हुआ है, और एक्शन कुछ हुआ ही नहीं। खड़े हो गए, आइए आप। आप भी हैदराबाद की क्या है? नको है? नको का मतलब नहीं, नको का मीन्स नहीं, नो, नको का मतलब नो, नो। अच्छा, आप हैदराबाद की ही हैं। अब तो पूछिए उनसे कि बीमारी क्या है, कष्ट है कहीं? कोई भी कष्ट नहीं है। आप, आपके बेटे का नाम क्या है? इष्ट तेजा। हाँ, इष्ट तेजा, इष्ट तेजा, विष्णु, विष्णु, विष्णु तेज है। हाँ। मतलब विष्णु का तेज। हाँ। ओए, ओए। अच्छा, ये काला बहुत है। है ना, विष्णु तो है काला जी। ये पैर में ऐसे क्या है? एक पैर में ऐसी दर्द, ऐसी से पड़ के वो मैं देख लूंगा। हाँ। आप ठीक हो गए? हाँ। बीमारी तो आपकी थी? हाँ, नहीं, 20 साल से बीमार तो आती है। हाँ। परेशान आप बहुत ज्यादा थे, बड़े रोते थे, बड़े टेंशन में थे, बड़े जूझ रहे थे। अच्छा ये बताइए, वहाँ के कौन कौन से बड़े हॉस्पिटल में आपने दिखाया? मैं हैदराबाद में दिखते अपोलो, बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपोलो भी है वहाँ। हाँ हाँ, ये सब जगह जाके लोगों को। हाँ, मैं अमेरिका जाके इलाज भी कर सकता, ऑपरेशन कर, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है बताए। कौन नहीं बताया? हॉस्पिटल वाले। चलो ये तो अच्छी बात है, नहीं बताए तभी मेरे पास आए, बताते तो अब तक सारे कट कट चुके होते। होते कि नहीं? हाँ, होते हैं। हैं? क्या क्या काटते बताना? ये स्पाइनल कार्ड काटते। हाँ, काट देते। हाँ। क्या हाल होता अब तक आपका? पलन पे खत्म। अच्छा, ये स्पाइनल के ज्यादातर जो ऑपरेशन होते हैं उसके बाद आदमी चल क्यों नहीं पाता? वो नर्व्स बेंड हो जाता है। तो फिर करते क्यों? उससे पहले चल तो रहे होते हैं, कम से कम दुख छुपा के लोभ में करते हैं। इसको इलाज नहीं पता, लोग में करते हैं ना। हाँ। है ना। हाँ। तो कितना पैसा मिल जाता है एक साथ? 1 लाख या 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे 100 आदमी टकरा के 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। फॉरन एक दो फार्म हाउस आ गए डॉक्टर के, डॉक्टर के पास बड़ी गाड़ी आ गई, मजा आ रहा है डॉक्टर के।
क्यों बड़ा हॉस्पिटल होगा 11 मंजिल 25 मंजिल 50 मंजिल 100 मंजिल ये 20 साल में ये टीम बना है और ये आपके घुटनों पैरों के नीचे देखिए देखिए इस पर डबल वो बिछाया हमने और ऐसे मारेंगे तो पता चलेगा रोड़ियाँ हैं और छोटी बड़ी है ना वो पता है पसीना कितना बना है एक समुद्र अलग से बन गया इतना पसीना बहा है आपके बोलिए शनिदेव महाराज की जय की जय चलो